हुक्मरानों ने कौम को तकसीम कर दिया, मुल्क पर मुसलत निजाम से अवाम रो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि इमरान खान ने झूठ का नाम यू टर्न रख लिया। पीटीआई की हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। एपीसी करने वालों का एजेंडा अवाम का मफाद नहीं बल्कि इक्तदार के लिए म्यूजिकल चेयर है। सही मानों में एहतसाब होगा तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों की अक्सरियत जेलों में होगी। पीटीआई की हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ, पीटीआई की हुकूमत में रिश्वत में इजाफा हुआ, पीटीआई की हुकूमत में महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, बदमनी में इजाफा हुआ। पीटीआई की हुकूमत में कश्मीर को इंडिया ने हड़प किया। पीटीआई की हुकूमत में हर वो काम हो गया जिसके न करने का ऐलान इमरान खान ने किया था, और पीटीआई ने 790 दिनों में एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसके करने का वादा उसने कौम के साथ किया। पीटीआई के चीफ ने कहा था कि मैं कौम के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन झूठ का नाम यू टर्न रखकर अब खुद ही कहते हैं कि जो यू टर्न लेता है वो बड़ा लीडर होता है। ये सारे एक ही क्लब के लोग हैं, ये सारे एक ही फितरत के लोग हैं। इन सब का अव्वल और आखिर तुम्हारे कंधों पर सवार होकर इख्तदार हासिल करना है।